हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है का माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी सीरीज हमारी लारावेल प्रोजेक्ट प्रोसेस चल रही है। देन उसमें हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ऐसे हम कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में एग्जाम सेक्शन वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने एग्जाम को एड किया था हमारे डेटाबेस की टेबल में। हम से डेटाबेस की टेबल देखते हैं रिफ्रेश करके। तो यहाँ पर देखिए हमें एग्जाम शो हो रही है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम एग्जाम को शो करेंगे हमारे इस पेज पर। जो हमारी लिस्ट शो हो रही है, इसमें हम एग्जाम का टाइटल, कैटेगरी, एग्जाम की डेट, स्टेटस और एक्शन ही में शो करेंगे। तो आइए हम इसे शो करते हैं। शो करने के सबसे पहले हमें इसे फेच करना होगा डेटाबेस से। तो इसके लिए हम हमारे कंट्रोलर पर चलेंगे, मैनेज एग्जाम पर। तो हम जाएंगे एडमिन के अंदर। मैनेज एग्जाम हमारा ये फंक्शन है। यहाँ पर हमें फेच करना होगी सारी एग्जाम। तो यहाँ पर हम वेरिएबल बनाएंगे डेटा, देन इसमें हम लिखेंगे एग्जाम्स, और इसमें हमें एग्जाम वेट करना है। तो हम एग्जाम वेट करने के लिए हमारे इस मॉडल के करेंगे ओ एस एग्जाम मास्टर। देन इसमें हम लगाएंगे कॉलन कॉलन गेट, और हम इसे गेट करेंगे अरे के फॉर्मेट में, इसलिए हम लगाते हैं टू अरे। देन एग्जाम का यूज हमने यहाँ पर इस डेटा को हमने यहाँ पास किया हुआ है। अब हम इस एग्जाम वेरिएबल का यूज करते हुए हमारे एचटीएमएल पेज पर एग्जाम को प्रिंट करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे व्यू पर। तो ये है मैंने एग्जाम ब्लेड डॉट पीएचपी, एंड इसमें हम टेबल में से प्रिंट करेंगे। तो आते हैं हमारे टेबल के यहाँ। देन यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर ईच लूप। देन यहाँ पर हम लगाएंगे एट द रेट फॉर ईच एस डॉलर एग्जाम। देन यहाँ करेंगे हम एट द रेट एंड फॉर ईच। देन इसके अंदर हम बनाते हैं टी आर। देन टी आर के अंदर होगा टी डी, जैसे पहले टी डी में हम इंडेक्सिंग देंगे। तो हम यहाँ पर की गेट करेंगे। की जो होती है वो हमारे एरे की इंडेक्सिंग होती है, जो जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर नंबरिंग करना चाहते हैं तो हम इसे वन प्लस कर देंगे, वन से प्लस करेंगे तो ये जीरो का वन हो जाएगा। इस तरह से वन बाय वन हमारी इंडेक्सिंग शो होगी। देन इसके बाद हम देते हैं टी डी। देन यहाँ पर हमें देना होगा एग्जाम का जो टाइटल है। देन उसके बाद हम देंगे यहाँ पर एग्जाम की कैटेगरी। देन उसके बाद होगा एग्जाम डेट। देन इसके बाद हम यहाँ पे देंगे टी डी एक इनपुट टाइप चेकबॉक्स, और उसका जो नेम होगा वो होगा स्टेटस। देन इसके बाद हम दो एक टी डी लेंगे, उसके अंदर हम दो बटन बनाएंगे। एट होगा हमारा एड के लिए और एक होगा डिलीट के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट कॉलन सेमी कॉलन। देन इस पर हम क्लास लगाएंगे बी टी एन, बी टी एन हाइफन इन्फो। देन इसे हम करेंगे एडिट, और इसके बाद हम एक और बटन बनाएंगे। देन उसका नाम होगा डिलीट, और इस पर हम क्लास लगाएंगे डेंजर। देन सेव करते हैं। फिर हम क्लास लगाएंगे बी टी एन एस एम। देन सेव करते हैं। अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। तो ये देखिए हमारी जो एग्जाम है वो यहाँ पर आ रही है। हमने यहाँ पर एग्जाम वन एट की है। देन उसकी कैटेगरी फोर है। देखिए यहाँ पर कैटेगरी फोर आ रही है, लेकिन जो हमारी कैटेगरी फोर है उसका जो हम नाम देखना चाहें अगर, तो हम चेक करते हैं हमारी कैटेगरी फोर का नाम क्या है। ये देखिए हमारी कैटेगरी फोर जो है उसका नाम एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर फोर दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर हमारी कैटेगरी का नाम शो करना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे ज्वाइन। तो हम आते हैं हमारे कंट्रोलर पर। देन यहाँ पर हम ज्वाइन लगाएंगे। देन यहाँ पर हम लिखते हैं कॉलन कॉलन ज्वाइन। देन ज्वाइन हमें लगाना है जिस टेबल से, उस टेबल का नाम लिखेंगे हम यहाँ पर। तो हमें ज्वाइन लगाना है हमारी इस टेबल से, कैटेगरी वाली टेबल है हमारी। यहाँ पर हमारी कैटेगरी वाली टेबल का नाम लिखेंगे। देन उसके बाद हमारी करंट टेबल का नाम लिखेंगे, जो हमारी एग्जाम मास्टर की टेबल है। तो ये है हमारी एग्जाम मास्टर टेबल। एंड एग्जाम मास्टर टेबल के अंदर जो कैटेगरी है वो मैच होना चाहिए हमारी ओ ई एक्स अंडरस्कोर कैटेगरी की आईडी से। अगर ये दोनों मैच होते हैं तो हमारा ज्वाइन लगेगा, और इसके बेस पर हम डेटा फिट करेंगे। तो यहाँ पर हमें
सिलेक्ट में और पी लिखना होगा, सिलेक्ट में हमें फील्ड लिखना होगा कि हम कौन कौन सी फील्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं कि जो हमारी ओ ई एक्स एग्ज़ाम मास्टर है उसमें से हम सभी फील्ड को लेंगे। देन इसके बाद जो हमारी कैटेगरी है उसमें से हम लेंगे, जो कैटेगरी का नेम है वो लेंगे एज केट नेम। देन इसे हम करते हैं सेव। एक बार हम रिलोड करके चेक करते हैं कि हमारे पेज पर कोई एरर तो नहीं है। तो देखिए सक्सेसफुल रिलोड हो चुका, मतलब कोई एरर नहीं है। अब हमारे पास कैटेगरी का नेम भी आ चुका है केट नेम में, तो हम इसे यहाँ पर करते हैं प्रिंट हमारे इस व्यू पर। यहाँ पर हम इसकी जगह इस नाम को लिखेंगे। देन अगेन हम करते हैं इसे रिलोड। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है एग्जाम्पल, हमारा ज्वाइन लग चुका है। मैं आपको ज्वाइन को एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड को सेपरेट करके। तो हमारा ये है कोड, सबसे पहले इस कोड को थोड़ा डिस्टेंस लेता हूँ तो आपको क्लियर विजिबल होगा। देन इसके बाद हमने यहाँ पर एक सिलेक्ट फंक्शन लगाया है। देन सिलेक्ट के साथ साथ हमारा जो एक और फंक्शन है वो है ज्वाइन। देन इसके बाद इस फंक्शन को भी हम एक डिस्टेंस पे दे देते हैं। तो ये देखिए हमारे कुछ इस तरीके से हैं जिसमें हमने यहाँ पर सिलेक्ट फंक्शन लगाया, इसका यूज़ करते हुए हमने जो हमारी एग्जाम मास्टर टेबल है उसकी सभी फील्ड को सिलेक्ट किया है। देन जो हमारी कैटेगरी फील्ड है उसमें से हमने नेम को सिलेक्ट किया है और उससे हम यूज़ करेंगे केट नेम से इस फंक्शन में, यहाँ पर हमने ये लिखा है। देन इसके बाद हमने ज्वाइन लगाया है हमारी एग्ज़ाम की जो कैटेगरी है टेबल ओ ई एक्स एग्ज़ाम, उससे हमने ज्वाइन लगाया है। ज्वाइन लगाया है कि हमारी जो एग्ज़ाम मास्टर टेबल है उसकी कैटेगरी और जो कैटेगरी टेबल है उसकी आईडी, जब दोनों मैच होगी तभी ज्वाइन लगेगा। और ज्वाइन लगने पर जो डेटा होगा वो हम केट नेम में स्टोर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एग्जाम्पल को हमने शो किया है। हम एक और एग्ज़ाम ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर हम देते हैं एग्ज़ाम टू। देन इसके बाद हम इसे करते हैं ऐड। देन देखिए हमारी एग्ज़ाम ऐड हो चुकी है। देन हमारा पेज होगा रिलोड और ये देखिए हमारी जो एग्ज़ाम टू है वो शो हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये है कि जो हमारी एग्ज़ाम अभी करंटली ऐड हुई है वो बाद में आ रही है और जो पुरानी एग्ज़ाम है वो ऊपर है। तो हमें करंट में जो एग्ज़ाम है उसे सबसे ऊपर रखना है, मतलब जो फर्स्ट इन है उसे लास्ट में रखना है और जो लास्ट इन है वो फर्स्ट में रखना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑर्डर बाय, तो हम हमारी क्वेरी में आएंगे। देन सिलेक्ट के बाद हम यहाँ पर लगाते हैं ऑर्डर बाय। देन ऑर्डर बाय होगा जो आईडी है उसके अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग में, तो हम देंगे ऑर्डर बाय आईडी DESC। देन इसे हम अगेन रिलोड करेंगे। देन रिलोड होने के बाद हमारी जो एग्ज़ाम टू है वो ऊपर आ जाएगी, देन एग्ज़ाम वन नीचे। देन हमारे इसमें एक एरर आ चुकी है तो हम इस एरर को रिजॉल्व करेंगे सबसे पहले और इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे इसमें जो एरर आई है वो एरर है यहाँ पर हमारे ज्वाइन के यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिया उसकी एरर है ऑर्डर बाय के बाद। तो हम ऑर्डर बाय के बाद से सेमी कॉलन को रिमूव करेंगे। देन अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। देन ये देखिए हमारी जो एग्ज़ाम टू है ये टॉप पर आ चुकी है, देन एग्ज़ाम वन नीचे आ चुकी है। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो एग्ज़ाम शो भी करा दी है, देन हमने इसमें ज्वाइन भी लगाया है। तो फ्रेंड्स अभी किस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम को एडिट और डिलीट देन उसका स्टेटस मैनेज करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड सेक्शन भी है जिसका यूज़ करके आप अपनी इंटरव्यू स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।